अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपली फूडी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही यम्मी और टेस्टी चिकन बर्गर की रेसिपी। तो ये रेसिपी आप घर में बना सकते हैं, ये बहुत ही इजी है और खाने में बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है बर्गर बंस। तो आप किसी भी कंपनी की या कोई से भी जो जनरल स्टोर पे आपके बर्गर बंस मिलते हैं वो आप ले सकते हैं। ग्रीन पुदीने की चटनी, ब्रेड क्रम्स, चिकन का कीमा, मेयोनीज और केचप का मिक्सचर, लेटस या सलाद के पत्ते, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तंदूरी मसाला या गरम मसाला, सॉल्ट। और फिर हम ले लेंगे प्याज और टमाटर स्लाइसेस में कटे हुए। तो अब हम सबसे पहले कीमे में सारे जो ड्राई मसाले और जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसको डाल देंगे। और अब हम इन सारे मसालों को कीमे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप इसके लिए चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। सारे मसाले कीमे में सही तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। तो आप देख सकते हैं सारे मसाले कीमे में अच्छी तरह से सही से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको आपको जितनी टिक्की बनानी है उतने पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसकी टिक्की बना लें। और टिक्की बनने के बाद हम उसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। इससे जो टिक्की है उसकी क्रिस्पीनेस और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से आपको जितनी टिक्की चाहिए वो बना लें। अब अगर आपके बर्गर बंस ऑलरेडी कटे हुए हैं तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके बर्गर बंस कटे हुए नहीं हैं तो इस तरह से आप बीच में नाइफ डालकर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। इस तरह से आपके बंस होने चाहिए। अब आप तवे पर बटर या ऑयल ले लें जिसमें आपको टिक्की तलनी है और वो तवे पर डाल दें और उसको अच्छे तरह से स्प्रेड कर लें। फिर एक एक करके उस पर अपनी सारी टिक्कियां डाल दें। और ये टिक्कियां हमें शैलो फ्राई करना है और हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से तलेंगे दोनों साइड से। आप इसे उलट पलट के दोनों तरफ से अच्छी तरह से तल लें। जिस तरह आप देख सकते हैं एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अगर नहीं भी हुई तो आप इसको बीच में उलट पलट कर दोनों तरफ से सही तरह से तल लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टिक्कियाँ दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। ये आप क्लोजअप लुक भी देख लीजिए। तो अब हम इसको एक एक करके उतार लेंगे। तो अब अगर आप चाहें तो अपने बर्गर के बंस को जो है बटर में टॉस कर लें, उससे जो है बर्गर बंस में भी अच्छा सा बटरी फ्लेवर आ जाएगा।
तो अब हम इन सभी चीज़ों को असेंबल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बर्गर बेस पर लगा देंगे मेयोनीज और केचप का मिक्सचर जो हमने बनाया था उसमें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर सकते हैं। और ऊपर वाले बर्गर के टॉप पर हम ग्रीन चटनी लगा लेंगे जो हमने बनाई थी पुदीने की। आपके घर में जो नॉर्मल ग्रीन चटनी बनती है आप वो लगा सकते हैं ऊपर के पार्ट पर थोड़ा सा स्पाइस के लिए। तो अब हम बेस पर टोमेटोज रख देंगे, जितने स्लाइसेस आपको पसंद है उतने आप रख सकते हैं। टमाटर के बाद हम इस पे टिक्की रख देंगे और अगर आप चाहें तो टिक्की पे चीज स्लाइस डाल सकते हैं। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे प्याज। अब हम इस पे लगाएंगे लेटस या सलाद के पत्ते, आप इसे जो भी बुलाते हैं। और फाइनली अब हम इस पे टॉप वाला बन ऊपर लगा देंगे और इसके बाद हम इसमें एक टूथपिक इंसर्ट कर देंगे ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह से हिले ना और जगह पर रहें। तो यह हमारा बहुत ही यम्मी और टेस्टी चिकन बर्गर, होममेड चिकन बर्गर बनकर तैयार है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वालों को और बच्चों को स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आने वाली रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके साइड वाली बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको पता चले।